वे दिन में आने दो बच्चों को आने दो। भाई नमस्कार प्यारे दोस्तों, नेशनल निशा फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है और मैं मुकेश आपके बीच पुनः आ चुका हूँ। अपना जो एग्री टैलेंट सर्च एग्जाम रहा, उसका जो अपना पेपर रहा, उस पेपर की आंसर की आज मैं आपके सामने सोल्व करवाने के लिए आ चुका हूँ। क्वेश्चन यही बनता है कि सर पेपर तो हमारा लग गया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब हम लोगों को नहीं आ पाया, या हम बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर की डिजायर करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उन क्वेश्चनों पे अपनी चर्चा करेंगे और उनके आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, उस सराउंडिंग एरिया की भी अपने क्या करेंगे परिचर्चा दोस्तों आज हम करने वाले हैं। तो फटाफट एक बार आपकी जो तो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभा दीजिए, और जो भी प्यारे दोस्त अभी लाइव नहीं आ पाए हैं उनको एक बार बुला ले, ताकि आज का इवनिंग सेशन है वो स्टार्ट हम जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करते हैं। गोविंद आ चुका है, संजय चौधरी बदाल से गुड इवनिंग कह रहे हैं, सुप्रिया बेटी आ चुकी हैं, पिंकी क्रिडोलिया आईडी से लॉगिन कर रहे हैं, और पूजा कुमाऊत, राहुल इंदौरा श्री माधुपुर से हैं, और रवि प्रकाश, सुभाष बगड़िया, पायल बेटी आ चुकी हैं, सुनीता चौधरी आ चुकी हैं। बड़ा एक बार जो आपको क्या करना है, फटाफट एक बार क्या है, इस लिंक को फेसबुक आईडी और आपका जो व्हाट्सएप आईडी है उस पर स्टेटस लगा ले और एक बार इसको शेयर कर दे, तब तक अपना जो इवनिंग सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। हाँ, फटाफट एक बार जिम्मेदारी है उसको निभा दे प्यारे दोस्तों, ताकि इवनिंग सेशन जल्दी से जल्दी अपने क्या कर सके स्टार्ट कर सके और एक अच्छा सा माहौल एक क्रिएट हम कर सके। प्यारे बच्चों, नरेंद्र कुमार सैनी है श्री माधोपुर से, गुड इवनिंग आप कह चुके हो, प्रणाम आप कह चुके हो, और धोक आपने निशा फाउंडेशन के चरणों में आपने अर्पित किया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की हमारे पास आ रही है, प्रॉपर में क्या है समय की थोड़ी सी कमी इसको महसूस करूँगा, या मैं ये कहूँ कि प्रत्येक जो आपका कमेंट होता है उसको मैं यहाँ बोल नहीं पाता हूँ। बाकी जैसे इवनिंग सेशन होता है उसके बाद हर एक चीज़ में देखता हूँ, और बड़ा प्यार प्रेम और बड़ा स्नेह आप लोगों का निशा फाउंडेशन को मिल रहा है, इस सभी के लिए आप सबको धन्यवाद। और इसी प्रकार आपकी जो निशा फाउंडेशन है उस टीम से आपको जुड़े रहना है। हाँ दोस्तों, फटाफट एक बार शेयर कर दे, क्योंकि आज हमें बहुत सारे क्वेश्चनों का सोल्व करना है, विलंब नहीं करना है, समय को खराब बिल्कुल भी नहीं करना है। फटाफट एक बार शेयर कर दे, जो बच्चे शेयर कर चुके वो थंब भेज दे। हाँ, ईमानदारी से, ईमानदारी तो मेरे पता है, मेरे जो बच्चे हैं उस बच्चों में संस्कार तो मेरे को पता है कि बिल्कुल कूट कूट के भरे हैं, और सारे बच्चे क्या हैं, ईमानदारी हैं। ईमानदारी जिम्मेदारी है, उसको निभा दें, उसके बाद इवनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। फेसबुक आईडी पे भी एक बार शेयर कर दें, डीपीएस को भेज दे, और अन्य जो फ्रेंड्स आपने जो बना रखा है उन सबको एक बार क्या कर दे, भेज दे। दोस्तों, लाइव बहुत कम बच्चे हैं, इतने बच्चों में तो बिल्कुल भी माहौल नहीं बनने वाला है, बिल्कुल यूं जोश उत्पन्न नहीं होने वाला है, ऐसे तो बहुत उदासीन प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। और मैं आपको पता है कि कभी भी बोरिंग प्रकार की जो स्टडी है उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। मेरे साथ जो आप समय बिताओगे वो इंटरेस्टिंग ही होगा और कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा प्यारे बच्चों।
हाँ तो आपको आपकी जिम्मेदारी है उसको निभा दें, उसके बाद अपना जो इवनिंग सेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं। इतने बच्चों ने अगर शेयर किया है तो फिर वाचिंग जो है वो वहां पर संख्या नहीं नजर आ रही मेरे को। टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया? हाँ बेटिया, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है तो बहुत अच्छा है, और वर्तमान में टेलीग्राम का बहुत ज़्यादा प्रचलन भी चल रहा है। इस समय एजुकेशन के सेक्टर में टेलीग्राम का बहुत अच्छा यूज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आज का जो इवनिंग सेशन है उसको स्टार्ट कर ही देना चाहिए। आज का जो कोटेशन है आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ कि मान लिया तो हार है, मान लिया तो हार है, और अगर आपने ये मान लिया या ठान लिया कि जीत है तो वही चीज होनी है प्यारे दोस्तों। अगर आपने दिमाग को ये कह दिया कि आप जीत चुके हो, आप जीतोगे, आपकी जीत पक्की है, तो 100% आपको कोई भी नहीं टाल सकता। और आपने अगर ये मान लिया कि इस बार पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपने उदासीन हो गए, प्रयास नहीं कर पाओगे, तो आपकी हार फिक्स है, कोई नहीं टाल सकता। तो अगर आपने मन में ये बात ठान ली है कि मैं जीत चुका हूं, जीतूंगा, और चाहे कितना भी प्रतिकूल मौसम हो, कितना भी प्रतिकूल मौसम हो, मेरी जीत पक्की है, अगर आपने इस प्रकार की बात अगर आपके दिमाग में अपने आप में ठान ली है तो आपकी जीत दोस्तों पक्की है। आज के सुविचार के साथ अपना जो इवनिंग सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस प्रकार का, आपको देखा होगा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट है ये इस प्रकार से, सूची सेकंड है इस प्रकार से, उनको आपको मिलान करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। प्यारे दोस्तों यहां लिखा हुआ फूल गोभी, तो फूल गोभी में कौन सा कीट लगता है, मिर्च में कौन सा कीट लगता है प्यारे दोस्तों, भिंडी में कौन सा कीट लगता है, और आलू में कौन सा कीट लगता है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। प्रचलन तो इसका बहुत शानदार है, इस प्रकार के जो कूट वाले प्रश्न आते हैं, सारणी वाले प्रश्न आते हैं, प्रचलन तो इनका बहुत ज्यादा है और टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसा बन जाता है, टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सर्च करते हैं, इस क्वेश्चन को अपने सोल्व करते हैं। सर बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। अब आप लोग देखोगे फूल गोभी, तो फूल गोभी में कौन सा इंसेक्ट, हमें सबको पता है डायमंड बेक मोथ, जिसका आपकी किताब के अंदर आपने देखा होगा डायमंड बेक मोथ, इस नाम से भी इसको पूछा जाता है, यह लिखा जाता है DBM, डायमंड बेक मोथ। तो यानी फूल गोभी में तो कौन सा होगा प्यारे दोस्तों, ये यहां पे दो नंबर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद मिर्च है, मिर्च में क्या करोगे, मिर्च के अंदर किसको करोगे प्यारे दोस्तों, चेपा लगता है, थ्रिप्स, ठीक है, तो ये यहां पे आ जाएगा। भिंडी है, तो भिंडी में कौन सा लगता है, तना या फल छेदक लगता है, और आलू में कौन सा लगता है, कटवा लगता है। तो यहां पे आप कोड देखोगे तो कोड हमें मिलेगा 2-1-2-1-4-3, 2-1-4-3, ये कोड हमें यहां से मिलता है। अब देखते हैं, देखिए यहां से कोड कौन सा आ रहा है, 2-1-2-1-4-3, 2-1-4-3, तो इसका फर्स्ट कोड आ रहा है, ये बिल्कुल सही आ रहा है, इसका फर्स्ट कोड है 2-1-4-3, तो इसका जो पहला आंसर होगा वो क्या होगा, सही होगा, इसका पहला आंसर क्या होगा, सही होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रकार से आते हैं, आपको देखना है, वापस मैं थोड़ा सा इसको देख प्रयास करता हूं। इस प्रकार का क्वेश्चन है, हमें इसमें मैच करना होता है, तो फूल गोभी में डायमंड बेक मोथ, तो यहां पर कौन सा आ गया, यहां पर हो जाएगा प्यारे दोस्तों दो नंबर वाला इसमें आएगा। मिर्च में थ्रिप्स लगता है तो एक नंबर वाला, भिंडी में तना या फल छेदक लगता है तो यहाँ पे हो जाएगा तीन नंबर, और आलू में कौन सा लगता है, कटवा या लट, या इसको कटवर्म भी बोलते हैं, जो रात्रि के समय इसका अटैक होता है, सबसे ज्यादा तने को कट कर देता है और पौधा गिर जाता है, तो ये कौन सा होगा, चार होगा। तो 2-1-3-4 इस प्रकार का कोड आपको कहीं भी लगे उसी पे आपको क्या करना है, उत्तर ठोक देना है प्यारे दोस्तों, उसी पे क्या करना है, उत्तर को लॉक कर देना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने इसको सोल्व भी किया है और गजब वाला क्वेश्चन रहा। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दो पे चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों का विशेष ध्यान रखना है, और एक विशेष आपको सजेशन भी देना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, क्या कि आपको प्रत्येक जो क्रोप है उस क्रोप का एक इंसेक्ट आपको याद रखना है,
एक इंसेक्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा कौन सा इंसेक्ट नुकसान पहुंचाता है वो आपको क्या है याद कर लेना। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जब आप क्रो पढ़ते हो, वेजिटेबल पढ़ते हो, पोमोलॉजी पढ़ते हो, फ्लोरिकल्चर पढ़ते हो प्यारे दोस्तों, तो एक बात को आपको ध्यान रखना है कि इस फसल को सबसे ज्यादा कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है, कौन सा रोग नुकसान पहुंचाता है। मुख्य कीट मुख्य रोग याद कर लेना, कॉमन क्वेश्चन है लेकिन साहब बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है जब समय या एग्जाम के सामने आता है, पसीने आने लग जाते हैं दोस्तों कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन तो बड़ा सूल है। लेकिन ऐसा अब अगर आपको आभास है, पढ़ रहे हो, इस दृष्टि से जरूर पढ़ना, आपका उत्तर 100% सही होगा, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डेली लाइव आते हैं और चैनल को अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, उसको बेल आइकन को क्लिक नहीं कर रखा है, तो प्लीज आप एक बार जो सब्सक्राइब है चैनल जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, ये विशेष आपको याद रखना है। सर ऐसा एक वीडियो अपलोड कर दो, कैसा वीडियो ये ऐसा एक वीडियो अपलोड कर दो, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं किस प्रकार का वीडियो आपको रिक्वायर है। चलो दोबारा एक बार जाकर साहब ने कुछ कहा है, ऐसा वीडियो थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए तो ताकि मैं इस आपकी जो फीलिंग है उसको शेयर कर सकूं, समझ सकूं। हाँ नेक्स्ट बात करते प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चले, क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करने बातें आज नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, खाने योग्य केले के फल का बीज रहित होना, सीडलेस होना का कारण है बताइए दोस्तों। हम जो बनाना खाते हैं उस बनाने के लिए पूछा है कि वो सीडलेस होता है, क्यों सीडलेस होता है उत्तर बता दीजिए। गुण निष्फल डिंब की वजह से कार्य की पार्थनोकार्पी होता है क्या, या स्टिमुलेट पार्थनोकार्पी होता है क्या, बता दीजिए प्यारे दोस्तों। इसका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में सी बताया है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, पार्थनोकार्पी होता है, कायिक पार्थनोकार्पी वेजिटेटिव पार्थनोकार्पी पाया जाता है, इसीलिए इसमें क्या नहीं होता है सीड का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए सीड का निर्माण नहीं होता है, याद रख लेना दोस्तों। हालांकि ये आपके ब्रीडिंग का टॉपिक है, ब्रीडिंग में आपको विशेष तौर से इसको पढ़ा भी होगा, और जो जितने भी 3N होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं सीडलेस होते हैं, क्रोमोसोम के आधार पे 3N जो भी होंगे वो सारे कैसे होंगे सीडलेस होंगे। हाँ पॉलीप्लोइडी काम में लिया था ना दोस्तों, ब्रीडिंग वाले टॉपिक में पॉलीप्लोइडी हमने काम में लिया था और सीडलेस वैरायटी हमने डेवलप की थी दोस्तों, बिल्कुल वहीं से प्रश्न बना है। सभी क्रॉप के इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स का वीडियो सर, बिल्कुल बिटिया आपने फरमाइश किया, जल्द आपको एक यूनिक सेशन में हम क्रॉप के मुख्य इंसेक्ट और मुख्य डिजीज आपके सामने लेके आएंगे, बिल्कुल आपका जो ऐप है उस ऐप के ऊपर तो कंफर्म आपको जल्द ही मिल जाएगा कि इस फसल में ये कीट मुख्य है और ये रोग मुख्य है। इसी अगला जो सप्ताह है उस सप्ताह में इस प्रकार का वीडियो आपको मिल जाएगा, ये मैं आपको प्रोमिस करता हूं। नेक्स्ट चलिए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, बेर में प्रूनिंग पूछा है बताइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, बेर में प्रूनिंग वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, बसंत ऋतु में या गर्मी की ऋतु में, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बड़ा शानदार है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर फटाफट लोग कर दे, क्वेश्चन नंबर थ्री फटाफट लो कर दे। महावीर जी सर आ चुके हैं, गुड इवनिंग। हाँ महावीर जी गुड इवनिंग, और आज फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट भी हिंदी का आ चुका है, आप चेक कर ले। मेरी सभी की ये दुआएं हैं, ईश्वर से मनोकामना हम मांग रहे हैं कि आपका उस लिस्ट में नाम मिल जाए और हम बच्चों के साथ मिठाई और शेयर कर दें। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री है उसका उत्तर क्या होगा देखो, उसका कंसेप्ट समझना थोड़ा सा प्यारे दोस्तों, क्या होगा कि बेर है, बेर में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे नई बेर और अंगूर दो हैं, एक तो बेर और एक है दोस्तों अंगूर, अपने सिलेबस में ये दो प्लांट हैं जिनमें नई जो शाखाएं होती है उनमें पुष्पन होता है, नई शाखाओं में क्या होता है पुष्पन होता है, और जिन पादपों में नई शाखाओं में पुष्पन होता है ना उनमें हैवी प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग तो करते हैं लेकिन कैसी हैवी प्रूनिंग करते हैं। तो बेर में जो प्रूनिंग करते हैं वो तो हम करते हैं अप्रैल वाले महीने में, अप्रैल और मई का जो समय आता है, और अंगूर में कब करोगे प्यारे दोस्तों, अंगूर में करते हैं हम जनवरी वाला जो समय आता है, दिसंबर जनवरी
दिसंबर जनवरी का समय आता है तब करते हैं, और बेर में अप्रैल मई में करते हैं। तो अप्रैल मई को क्या कहोगे प्यारे दोस्तों? अप्रैल मई को क्या कहोगे? बसंत ऋतु का समय। एक प्रकार से क्या कह दोगे? बसंत ऋतु का समय ही कहोगे लगभग इसको। तो ये इसका सी नंबर का जो उत्तर है वो लगभग क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। हाँ सी होगा बिल्कुल, क्यों नहीं सी तो होगा। आप क्या कह रहे हो, गर्मी की ऋतु? गर्मी की ऋतु तो जून जुलाई वाला होगा, तब सही होगा। बसंत ऋतु कब होती है? फरवरी मार्च अप्रैल मई, यही तो बसंत ऋतु का समय है। फरवरी मार्च अप्रैल मई ये बसंत ऋतु का समय है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। गर्मी की ऋतु तो आगे जून जुलाई अगस्त, ये जो समय आता है ये गर्मी का समय होता है। पूजा बिटिया बोल रही है मैंने भी डी किया था वो गलत है, ए और गलत हो गया, क्योंकि अप्रैल मई में करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु, अप्रैल मई में करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु बसंत ऋतु आएगा, इसमें सी उत्तर करेक्ट होगा। आपने अगर गलत किया तो आगे थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। जेट में आया हुआ है पहले, बिल्कुल जेट में आया हुआ है हुड्डा साहब, बिल्कुल जेट में आया हुआ क्वेश्चन है, शानदार वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नए बच्चे आए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी शेयर कर दें, थोड़ी सी बच्चों की संख्या और मिले तो मेरा जो जोश है पढ़ाने का जो तरीका है उसमें जान आ जाती है। आप चाहते हो कि आज का इवनिंग सेशन बड़ा ही आनंद वाला हो, उत्साह से हम इसको मनाएं, तो प्लीज जो आपको जिम्मेदारी, मैंने एक जिम्मेदारी आप पे छोड़ रखी है उसको निभा दें। मैं कर रहा हूँ ढेर सारे क्वेश्चन और आनंद वाला माहौल क्रिएट करने का मैं आपको बात करता हूँ प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है प्यारे दोस्तों। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान CFTRI, गजब वाला गोल्डन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। CFTRI सेंट्रल फूड रिसर्च, सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हाँ सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? नई दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और मैसूर कर्नाटक। बताइए प्यारे दोस्तों, बताइए प्यारे दोस्तों। और उत्तर लॉक कर दिया है, उत्तर लॉक कर दिया है, 4 नंबर लॉक कर रहे हैं और बिल्कुल क्या होगा, सही उत्तर होगा। 4 नंबर आपने लॉक किया है, पूजा बिटिया हैं, हेमंत, मोनिका, प्रशांत सबने 4 नंबर, हुड्डा साहब ने भी 4 नंबर लॉक किया है और गजब का बिल्कुल आपको आंसर है। मैं श्योर, बिल्कुल श्योर है, तो मैं भी आपके उत्तर का श्योर के साथ ही उत्तर बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टमाटर के फल छेदक के जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल पूछा है प्यारे दोस्तों। इसके लिए आइडियल आपको पूछा, ट्रेप क्रोप बतानी है, आइडियल ट्रेप क्रोप आपको बतानी है। बताइए कौन सी क्रोप काम में लोगे जो जैविक नियंत्रण का कार्य करेगी, ट्रेप क्रोप का कार्य करेगी एक प्रकार से। हाँ कीटों को आकर्षित करने का कार्य करेगी, फसल में कीट नहीं लगेंगे और जिस फसल जो ट्रेप फसल बताई है उसमें कीट आके बैठ जाएंगे, कीटों को आकर्षित कर लेगी, फसल को सुरक्षा प्रदान करेगी, ऐसा महान आदमी कौन है? बताइए प्यारे दोस्तों इन 4 में से महान व्यक्ति कौन है? मैरीगोल्ड, सरसों, तंबाकू और लहसुन, 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, 4 ऑप्शन प्यारे दोस्तों आपके सामने आ चुके हैं, फटाफट उत्तर को लॉक कर दें। और बच्चों ने लॉक कर ही दिया है। व्याख्याता पद पर सिलेक्शन होने पर निशा परिवार की ओर से टोडाव सर की अग्रिम बधाई। बिल्कुल अगर आप लोगों का सबका सहयोग रहा तो एक दिन ऐसा इवनिंग सेशन भी आएगा जिस दिन एग्रीकल्चर का रिजल्ट आएगा फर्स्ट ग्रेड का, और आपके चहेते सर का शायद हो सके आप सबका सहयोग रहे तो नाम आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, महावीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आगे देखिए, टमाटर के फल छेदक जैविक नियंत्रण की बात अपने कर रहे थे, बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो इसमें सही आंसर है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को गेंदा कहते हैं, मैरीगोल्ड को क्या कहोगे दोस्तों? गेंदा। हाँ टेगेटस इरेक्टा पढ़ा हुआ ना आपका, टेगेटस इरेक्टा, तो वो बिल्कुल उसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, बिल्कुल क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। इसका उत्तर फर्स्ट सही हो चुका है, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को क्या कहते हैं? गेंदा। आज ज्यादा बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, पढ़ना ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। निम्न में से प्याज की कौन सी किस्म खरीफ में लगानी हेतु बेस्ट है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी कम से कम प्याज से 10 बार आ चुके हैं, 10 बार कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन प्याज में इस प्रकार का जो कंसेप्ट मैंने बताया ना प्यारे दोस्तों, उस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछने वाला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है।
हाँ, तो उत्तर आपने लोग किया है सी को, उत्तर आपने लोग किया है सी को, जो एक्चुअली क्या है, सही उत्तर है एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड डार्क रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना एक N53, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। मैं कह दूं आज का सबसे लग्जरियस प्रकार का क्वेश्चन का जो टाइप है, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, उनका टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आम के अंदर बीज का अंकुरण क्षमता पूछा है खत्म हो जाती है, बताइए दोस्तों आम में अंकुरण क्षमता कब खत्म होगी, बीज की अंकुरण क्षमता। बहुत शानदार प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, उत्तर को लॉक कर दे फटाफट प्यारे दोस्तों, उत्तर को लॉक कर दे। एक बार शेयर भी कर दे इसको फेसबुक आईडी में, मैं भी थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, आप भी इसको शेयर कर दे फेसबुक आईडी पर, या आपके अन्य जो हैं उन सब पर आपको क्या करना है, शेयर करना है। और लाइक देखिए कितने बच्चे आ रहे, आप ये देखो लगभग 40 बच्चे लाइव हैं और 13 से 14 बच्चों को ये क्लास पसंद आ रही है। लाइक देखो कितने, बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन बच्चों ने लाइक किया, उन 13-14 बच्चों को तो बहुत धन्यवाद, जो कम से कम इतने बच्चों को तो ये क्लास अच्छी लग रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसका उत्तर होगा वो 3 से 4 सप्ताह होगा। आम के अंदर बीजों की अंकुरण क्षमता कितनी होती है दोस्तों, 3 से 4 सप्ताह होती है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को याद ही करना है, इस प्रकार के दोस्तों जो क्वेश्चन है उनको क्या करना है, याद ही करना होगा, 2 से 3 बार आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को याद करने का प्रयास करना है। यहां थोड़ा सा लाइक ठोक दो, ये साथ में बी आ रहा है, साथ में बी 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 बता रहे हैं, 4 से 5 सप्ताह कैसे होगा, 3 से 4 सप्ताह ही तो होना चाहिए, 3 से 4 सप्ताह ही होना चाहिए इसमें। बहुत सारे बच्चे इसमें बता रहे हैं बी ऑप्शन, और मेरे हिसाब से 3 से 4 वीक ही होना चाहिए इसमें, 3 से 4 वीक ही होना चाहिए। मोस्टली बच्चे इसमें उत्तर दे रहे हैं उस उत्तर के हिसाब से, इसमें थोड़ा सा मेरे को, हाँ 3 से 4 वीक ही होना चाहिए आपका उत्तर जो है, एक बार श्योर कर ले पहले दोस्तों। मेघराम करा 30 से 35, सर 30 डे होता है ना, 30 डे होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसमें 3 से 4 वीक, 4 4 को देखो ना, 7 चौक 28, 28 दिन हो रहे हैं, 3 से 4 वीक ही होना चाहिए बड़े इसमें। हाँ नेक्स्ट देखिए, 30 दिन है तो 30 दिन में 4 वीक हो गए ना बेटा, 30 दिन का मतलब 4 वीक हो गया, अगर हम 5 वीक तक जाते तो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा इसमें, 28 से 35 बता रहे सुनील मेला, इसका उत्तर 3 से 4 वीक होना चाहिए। हाँ नेक्स्ट बात करते हैं, अगर 3 से 4 वीक, 4 से 5 वीक, 5 को अगर करोगे तो 1 महीने के हिसाब से भाई लगभग 30 दिन रहता है इसमें, थोड़ा सा इसका देख लेना 30 दिन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा नजदीक वाला उत्तर है, यहाँ पे 2 से 3 होना चाहिए, 4 से 5 होना चाहिए, अगर ये इस प्रकार 2 से 3 हो और 4 से 5 हो तब तो 4 से 5 आना चाहिए, और यहाँ पे अगर 4 दोनों जगह आ रहा है तो थोड़ा सा इसमें एक प्रकार का एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से उत्तर को सही मानता है। हालांकि यहाँ 2 से 3 और 4 से 5 वीक हो तब तो 4 से 5 वीक आना चाहिए, लेकिन अगर इस प्रकार का है तो मैं शायद 3 से 4 को ज्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ग्रेनुलेशन किस फल का कार्य की डिसऑर्डर है, बताइए प्यारे दोस्तों ग्रेनुलेशन की समस्या किस फल में होती है। क्वेश्चन तो ये भी बड़ा शानदार है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट चलो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चनों का कुछ उत्तर होता है वो कंफ्यूजन के हिसाब से भी है, और कुछ जगह
विवेक काम करता है कि एग्जामिनर जो है उसका विवेक क्या कहता है? प्यारे दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा, ग्रेनुलेशन की समस्या पाई जाती है वो कौन से फलों में होती है? चीकू, नींबू वर्गीय में समस्या पाई जाती है। बिल्कुल आपको पता है ट्रिस्जा, ग्रेनुलेशन, ये सारी चीजें आपको किस में पड़ी है? हमने पढ़ी है नींबू वर्गीय, नींबू, माल्टा, संतरा, इनमें पढ़ी है। रूटेसी कुल में किस में पढ़ा है? रूटेसी कुल में पढ़ा है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए, ये भी लग्जरी क्वेश्चन आपके लिए है। स्टीप लैम्प बीमारी जो है, स्टीप लैम्प डिजीज है, वो किस न्यूट्रिएंट की कमी से होती है? क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो शानदार है। ग्रेनुलेशन क्या होता है? ग्रेनुलेशन सीड की फॉर्मेशन के लिए पाया जाता है। सीड फॉर्मेशन होता है ना, उसमें गुणन की वजह से इसको ग्रेनुलेशन कहते हैं, सीड फॉर्मेशन से संबंधित है। नेक्स्ट बात चलते हैं। अभी कहां बारिश हो रही है? हेमंत डांगी जी, बारिश बिल्कुल राजस्थान में अब होने वाली है, मानसून आ चुका है और जल्द आपकी परीक्षा भी होनी है, तो बारिश तो आपके ऊपर भी जल्द होगी। तो प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होगा? विटामिन ई, विटामिन ई होगा। और गजब का क्वेश्चन है ये, सुनील मेला कह रहा है ए बेड में, बिल्कुल बेड में होता है और विटामिन ई की कमी से होता है। याद रखना, क्वेश्चन शानदार लग्जरी क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था मैं वहां पर। बकरी की ड्यूल प्रजननशील, ड्यूल पर्पज पूछा है यहां पे, ड्यूल पर्पज वैरायटी बतानी है प्यारे दोस्तों। शानदार वाला क्वेश्चन है, ड्यूल पर्पज वाला गजब का क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर को लॉक कर दे प्यारे दोस्तों। मूलचंद काजला 10 में बी बता रहे हो आप लोग, रवि प्रकाश 10 में बी, झालावाड़ में तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, हेमंत डांगी जी बहुत अच्छी बात है। और मैं और बता दूं डांगी जी, झालावाड़ राजस्थान का वह जिला है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। आपके क्वेश्चन से एक क्वेश्चन में याद करवा दूं सभी बच्चों को, झालावाड़ राजस्थान का वह जिला है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर यू पूछे ना आपसे कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, स्थान आएगा माउंट आबू और जिला आएगा झालावाड़। याद रखना, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ और स्थान पूछे तो कौन सा आएगा? माउंट आबू। हाँ, दोनों क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन सभी बच्चों को याद करवा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूल पर्पज यहां पे है जमुनापुरी, कौन सी प्यारे बच्चों? जमुनापुरी मैजिक वाली है ना, हाँ, घने लंबे बाल पाए जाते हैं, बहुत लंबी और शानदार धाकड़ है, वो कौन सी है? जमुनापुरी है। और वही हमें धाकड़ को याद करना है और धाकड़ ही आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान पूछा है। थार को पार कर नहीं करेगी पार, क्योंकि इसको डर लगता है किस चीज का, वो भी आपको शेयर करना है। थार को पार ये गाय तो नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसको डर लगता है, आगे बहुत बड़ी समस्या इसके सामने आ सकती है। तो प्यारे दोस्तों, थार पार कर उत्तर बता रहे हो, सीको लोक आप कर रहे हो, छोटा नागपुर झालावाड़, बिल्कुल साहिल हुड्डा जी आप सही कह रहे हो, छोटा नागपुर ही है झालावाड़। और नागपुर तो आपको पता है संतरे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और अपना झालावाड़ भी संतरे की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एक बात आपको और शेयर कर दूं, झालावाड़ में अपने एग्रो फॉरेस्ट्री, झालावाड़ में अपने हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट एक ही राजस्थान में, हॉर्टिकल्चर का और फॉरेस्ट्री का इंस्टीट्यूट झालावाड़ राजस्थान में एक ही है, वो कहां पर है? झालावाड़ में है। हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री से यूजी बीएससी आपको करनी है तो कहां जाना पड़ेगा? झालावाड़ जाना पड़ेगा। हाँ, वसुंधरा जी के पास आपको जाना होगा, बॉर्डर है आगे। चलिए प्यारे दोस्तों, बॉर्डर है आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? पाकिस्तान है, बिल्कुल सही है, मोंटमोगरी क्षेत्र आपने देखा ना पाकिस्तान का। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, जुगाली करने वाले पशु के पेट का कौन सा हिस्सा वास्तविक पेट है? ट्रू स्टोमच यहां पे पूछा है, बताइए प्यारे दोस्तों। ओमेजम, एबोमेजम, रूमेन, रेटिकुलम, बताइए। शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ये भी गजब का है, क्वेश्चन तो प्यारे दोस्तों ये भी गजब का है, सुपर वाला क्वेश्चन है, आनंद वाला क्वेश्चन है। हाँ, 50 बच्चे लाइव आ चुके हैं, 50 बच्चे लाइव आ चुके हैं, और जिन जिन बच्चों ने लाइव को शेयर नहीं किया है एक बार शेयर कर दें, बहुत शानदार वाला माहौल क्रिएट होने वाला है। एग्रीकल्चर का बहुत ही शानदार
प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेके आया है, इवनिंग सेशन, डेली क्वेश्चन सेशन आपके लिए लेके आया है। प्यारे दोस्तों, प्रतिकूल मौसम है, अनुकूल भी आएगा, पतझड़ है, वर्षा भी होगी दोस्तों, बसंत भी आएगा। पतझड़ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाला समय हमें कैसा होगा, बसंत ऋतु होगी, चारों तरफ हरियाली होगी दोस्तों, चारों तरफ शानदार वर्षा ऋतु के साथ में कुछ दिनों बाद में सफलताएं आपके चरणों में होगी, खुशबू आपके आसपास, आपको ये पूरी हवाई महसूस होगी, खुशबू जैसे महसूस होगी आप लोगों को। चारों तरफ से बधाई आप लोगों के लिए पास आने वाली है। कॉलेज, एक मनचाही कॉलेज आपको मिलने वाली है, आपके सपने साकार होने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस पतझड़ को हंसते हंसते अवसर को सहन करना है, और पढ़ाई को हमें क्या रखनी है, कंटिन्यूटी रखनी है। तो दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। एबोजम इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा बी, आपने लोक किया है अभिषेक बुडक, बी ने आपने लोक किया, राइट इसका उत्तर है। सर, जेड 2019 में आया था, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, तो सारे क्वेश्चन 2020 के भी सोल्व करवा रहा हूं हुड्डा जी। सारे क्वेश्चन आप ये कहोगे कि हमने ये सारे क्वेश्चन निशा फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सोल्व किए हुए हैं, वो क्वेश्चन 2020 में आएंगे, आप तो बस आनंद, और क्वेश्चनों का सराउंडिंग एरिया कवर कर ले, क्वेश्चनों का सराउंडिंग एरिया क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अगर 1 ml दूध उत्पादन के लिए कितना खून थन से गुजरता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, एक बहुत गजब का क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, सुपर क्वेश्चन है, देखते हैं। लोग कर रहे बच्चे सीखो, सोनू मालव है, पूजा बिटिया है, यूनिक है, मेला है, राहुल चौधरी, कृष्ण यादव, संतोष सिंह झुंझुनू से, मोनिका बेटी करे, टीडी पे नियंत्रण कर रहे हैं। हाँ, जोधपुर का टीडी मुख्यालय, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर, टीडी नियंत्रण कैसे करते हैं, टीडी नियंत्रण आपको पता है आप कैसे कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बड़ा एक शानदार चीज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। टिड्डी नियंत्रण का मुख्यालय कहां पर है, जोधपुर में, याद रखना दोस्तों, लिख लेना, टिड्डी नियंत्रण का मुख्यालय कहां पर है, जोधपुर में, उधर से तो टिड्डी आई है, जोधपुर के क्षेत्र से तो आई है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में इसका सेंटर कहां पर है, जोधपुर में, इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो आपने उत्तर दिया है 400 से 500 ml, जो बिल्कुल राइट इसका उत्तर होगा, लगभग 1 ml अगर दूध बनता है तो लगभग आधा लीटर क्या है, लगभग 1 ml अगर दूध बनता है तो लगभग 1 ml दूध उत्पादन के लिए क्या होगा, खून कितना थन में से गुजरेगा, लगभग आधा लीटर क्या होगा, खून थन में से गुजरेगा। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, समान गुण वाले पशुओं को 4 से 6 वंश तक मिलाने को क्या कहा जाता है, इनब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 14, प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, शेयर कर दे एक बार प्यारे दोस्तों, जिन्होंने शेयर नहीं किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका उत्तर जो होगा इनब्रीडिंग होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा। कमेंट कैसे नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट आंसर इसका सही होगा, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समान गुण वाले पशु को 4 से 6 वंश तक मिलाने को क्या कहते हैं, यानी एक ही वंश है उसी के अंदर आप क्या करोगे, ब्रीडिंग करवाओगे, प्रजनन करवाओगे, तो इनब्रीडिंग ही तो हो रहा है, इनब्रीडिंग तो हो रहा है। आपने पढ़ा होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी लगातार एक ही वंश में बार बार हम संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो ओज में कमी आती है, अच्छे गुणों में कमी आती है, उसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें आउटब्रीडिंग अपनानी चाहिए ताकि ओजस्वी संतान प्राप्त हो, अच्छे गुण वाली संतान प्राप्त हो, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, रफेज में नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार आ रहा है, रफेज है उसमें नमी की मात्रा पूछी है, रफेज में नमी की मात्रा पूछी है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 सामने है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 15 सामने आ चुका है। अधिकांश जो बच्चे हैं सी को लोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही लोग कर रहे हो आप लोग, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन आपने सोल्व कर रखे हैं पहले ही। 10 से 15% रफेज में नमी की मात्रा पूछिए, ध्यान रखना नमी की मात्रा 10 से 15%। कुरुण रेशे में TDN पूछा है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। TDN बताइए, TDN बताइए प्यारे दोस्तों, TDN 60 से कम, 65 से कम, 50 से कम, 52% से कम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सही है, 60% से कम होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, गाय में दूध उत्पादन हेतु पोषक तत्वों के कंजर्वेशन करने की क्षमता क्या होती है, यह शानदार क्वेश्चन था। गाय में दूध उत्पादन हेतु पोषक तत्वों का कंजर्वेशन कितना करने की क्षमता होती है, यह भी शानदार लग्जरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखता हूं, सी सुनील मेला ने उत्तर दिया है। और विकास खेदड़, गुड इवनिंग सर, आप लेट हो विकास जी आज, कोई दिक्कत नहीं है, गुड इवनिंग सभी को। 38% बिल्कुल राइट इसका उत्तर होगा, 38% दोस्तों राइट इसका उत्तर कौन सा होगा, 38% होगा। बकरी में बदियाकरण की उपयुक्त आयु पूछी है, यह भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, पुराने एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बकरी में बदियाकरण के लिए पूछा है, कैस्टेशन हमें करवाना है तो उसके लिए उपयुक्त आयु बताइए, सबसे बड़ी आयु कौन सी होगी। हाँ, यहां से देखिए 2 सप्ताह मतलब 15 दिन हो गए, और 4 सप्ताह का मतलब 30, 15 से 30, ये इसका राइट आंसर होगा, 15 से 30 दिन या 2 से 4 सप्ताह, याद रखना इसको। इस प्रकार भी आ सकता है ये क्वेश्चन, समय दे दिए 15 से 30 दिन तो भी एक ही बात है। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, लग्जरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पैर दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, पौधों को मृदा में उगाना, पौधों को मृदा रहित माध्यम में उगाना, पौधों को चट्टानों पे उगाना, और जलमग्न मृदाओं में पौधों को उगाना। क्वेश्चन तो ये भी शानदार है, लग्जरी क्वेश्चन है, बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा। हाइड्रोपोनिक्स पढ़ावा है, बायोलॉजी का बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन है, बायोलॉजी का बहुत ही लोकप्रिय और शानदार वाला क्वेश्चन है, उत्तर बता दीजिए पहले दोस्तों। 19 में बी बता रहे हैं अधिकांश बच्चे हैं, सैनी साहब ने भी बी कहा है, मोनिका बिटिया, नरेंद्र कुमार चौधरी, गोविंद, राहुल, कृष्ण यादव और हेम सिंह गुजर, ओम प्रकाश एचरा, पूजा यादव, सबने बी को लॉक किया है, तो मेरे को भी देखना होगा एक बार बी को। पौधों को मृदारहित माध्यम में उगाना बिल्कुल हाइड्रोपोनिक्स सही बात है, मृदा के बिना पौधों को उगाते हैं, वो तकनीक कौन सी है, हाइड्रोपोनिक्स है। और वेजिटेबल में तो हम बहुत ज्यादा काम में ले रहे हैं, जलवाष्प के द्वारा न्यूट्रिएंट देते हैं, इरिगेशन देते हैं, नवीनतम जो आप बढ़िया बढ़िया इमेज देखते हो ना कि लहराती हुई सब्जियां होती है, वो हाइड्रोपोनिक्स की देन ही तो है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे दोस्तों, 20 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, वरद तत्व नहीं है, ये थोड़ा सा देख लेना, नहीं पूछा यहां पर कौन सा नहीं है। वरद यानी होता है मैक्रो, वरद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मैक्रो इसका अर्थ होता है, MACRO, मैक्रो, मैक्रो यानी होता है वरद, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, जिंक, शानदार वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बड़ा शानदार है, लग्जरी क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। आप बता रहे हैं उसमें मोस्टली बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, जिंक नहीं है क्योंकि फॉस्फोरस है, पोटेशियम भी है, कार्बन भी है, CHO ये तो होते ही है। इनके अलावा आपको पता है कि जो मैक्रो और माइक्रो वाट रखा है तो NPK ये भी होते हैं, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये सारे मैक्रो में ही है प्यारे दोस्तों, CHO NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये सारे कैसे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्यारे दोस्तों, सारे कैसे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, बाकी बच गए वो क्या हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। किरण शर्मा कह रहा है, किरण शर्मा बिटिया होगी शायद, अगर बिटिया है तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। सर केमिस्ट्री की क्लास कब होगी, केमिस्ट्री की क्लास, बायो की क्लास एप पे लगातार डाली जा रही है, यहाँ पे जैसे जिस प्रकार से विकल्प मिलता है उसी हिसाब से हम लाइव होते हैं, बाकी सारी के सारी क्लासे निशा फाउंडेशन का जो एप है उसमें डाल रखा है। और प्यारे दोस्तों सबसे बड़ी बात,
आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री का अलग से एक पैकेज है, मात्र 1000 रुपए से भी कम परचेज कर सकते हो। बायो का अलग से पैकेज है, एग्रीकल्चर का अलग से पैकेज है, कंप्लीट स्टडी का नोट्स पीडीएफ सबका पैकेज अलग से है। उसके जो रेट है कंप्लीट स्टडी 2999 टोकन मनी के रूप में आपको है। मैं कह दूं जीवन रक्षक ये पैसे आपके खर्च हुए हैं, आपकी लाइफ को सेविंग करने वाले पैसे आपने खर्च किए हैं, क्योंकि ये जो आपके पैसे है ना, ये पैसे आपको जवाब देंगे जब आप एग्जाम दे के आओगे और सफलता आपके कदमों में होगी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, रिक्त दलहन अंड तकनीक का संबंध है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, रिक्त दलहन अंड तकनीक का संबंध है। बताइए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन तो बड़ा गजब का है, क्वेश्चन तो बड़ा गजब का है प्यारे दोस्तों, और फटाफट इसका आंसर भेज दीजिए। हाँ, सभी का लाइव क्लासेज में स्वागत है, और अभी आपके 20 क्वेश्चन ऑल सोल्व करवाऊंगा, 20 क्वेश्चन मेरे को ऑल और सोल्व करवाने हैं। फ्लोएम के खाली होने पर, बिल्कुल सही है इसका आंसर है, फ्लोएम के बढ़ने से, फ्लोएम के खाली होने से, फ्लोएम की संरचना से, फ्लोएम की संरचना जो भी है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, फ्लोएम के खाली होने से संबंधित है। रिक्त दलहन अंड तकनीक का संबंध किससे है, बड़ा क्वेश्चन शानदार है, सीधा एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन है। C4 पौधा नहीं है, बताइए चारों पौधों में कौन सा C4 नहीं है। 22 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, 22 नंबर का क्वेश्चन बताइए, बी उत्तर आप दे रहे हो, गन्ना मक्का ज्वार बाजरा सोयाबीन, 4 नंबर इसका उत्तर सही होगा, सोयाबीन नहीं है प्यारे दोस्तों। जिसकी हाइट इससे भी ज्यादा हो वो क्या होता है, लगभग C4। याद रखने का फाड़ू और देसी तरीका कौन सा है, जिसकी हाइट अपने कंधे से ज्यादा हो तो C4 है, बाकी इसके से है C3। ये कोई किताबी तकनीक तो नहीं है, लेकिन फाड़ू तरीका याद करना है, सोयाबीन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, उदासीन मृदाओं में सबसे बहुतायत से पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव, बताइए प्यारे दोस्तों, अगर मिट्टी उदासीन है तो कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाएगा। लग्जरी सुपर क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं, आज का बहुत ही लग्जरी और स्टार क्वेश्चन, गोल्डन क्वेश्चन आपके लिए स्टार क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 23, उदासीन मृदाओं में कौन से तत्व की अधिकता पाई जाती है। तत्व नहीं पूछा है यहां पे, आपको पूछा कौन सा जीव, एक्टिनोमाइसिटीज होगा क्या, कवक, जीवाणु, सेवाल, 4 ऑप्शन आपके पास में है, और मोस्टली बच्चों ने लोक किया है सी को, लोक किया है सी को, तो देख लेते हैं सी को क्या है? इसका उत्तर सी होगा प्यारे दोस्तों, जीवाणु आप बता रहे हो, बिल्कुल सही उत्तर है, जीवाणु उदासीन मृदाओं में सबसे अधिक पाए जाते हैं, जीवाणु उदासीन मृदाओं में सबसे अधिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन आज ज्यादा सोल्व करना है, पेपर पूरा सोल्व करना है, समय थोड़ा सा कम रहेगा, जल्दी स्पीड से चलेंगे, हाँ जल्दी स्पीड से चलेंगे, क्या बात है सर रिकॉर्ड तोड़ दिया, राजपाल जी किस बात का रिकॉर्ड तोड़ रहे हो आप, हाँ रिकॉर्ड तो बनते हैं तोड़ने के लिए, रिकॉर्ड तो बनते ही है तोड़ने के लिए, हाँ रिकॉर्ड तो आपको भी कायम करना है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी डिजायर बहुत अच्छी है, मैं ये चाहता हूं कि Z 2020 में ऐसा रिकॉर्ड कायम आप कर दो कि उसको तोड़ने आने वाली जो पीढ़ी है ना, आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले सेशन है, वो सारे बच्चे रिकॉर्ड तोड़े और आपका नाम ले कि मेरे को जेड आपके नाम से बताए कि इस बच्चे का रिकॉर्ड मेरे को तोड़ना है। तो रिकॉर्ड बनता किसके हैं, तोड़ने के लिए, लेकिन हमें तो क्या करना, रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड कायम करना है प्यारे दोस्तों। ये सुनहरा मौका आपके पास है लाइफ का, लाइफ का सबसे सुनहरा मौका हमारे पास में है प्यारे दोस्तों। हरी खाद के रूप में प्रयुक्त कौन फसल कौन सी है प्यारे दोस्तों, बता दीजिए। 24 आ चुका है, और यहां उत्तर इसका फर्स्ट सही होगा, डेचा, सनई और लोबिया, ये सही होगा, क्योंकि इसमें ये फसल काम में नहीं ले सकते आप लोग, इसमें भी ये भी नहीं होगा, तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, स्पष्ट दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हरित क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है, ये बताना है क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन जल्दी करिए बेटा प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सोल्व करने हैं। 24 में ए बता रहे हो, देखते हैं, बिल्कुल नहीं, ए नहीं होगा इसका। 25 में आप बताओगे अनाज उत्पादन, 25 में सी होगा गेहूं, और आपको पता है ना वीट और राइस, इन्हीं से तो क्या है अपनी हरित क्रांति संबंधित है। विलियम गोड ने इस शब्द को यूज किया था, वर्गीस कुरियन इसके जनक हैं, और कितने क्वेश्चन इसके बनते हैं। यूरेका किससे
किसके प्रजाति हैं? बहुत लग्जरी क्वेश्चन है, बहुत लग्जरी क्वेश्चन है। यूरेका किसकी प्रजाति है? मैं कह रहा हूं बहुत शानदार क्वेश्चन है, 26 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट चलिए फटाफट स्पीड से चलते हैं, बहुत ब्रांडेड स्पीड से चलना है अपन को। यूरेका नींबू की प्रजाति है, बिल्कुल सही है, ए इसका राइट आंसर होगा। 27, पपीता किस परिवार से संबंधित है? केरिका पपाया, केरिकेसी, तो केरिकेसी से संबंधित है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आगे बढ़ेंगे। केरिकेसी, ये राजपाल कह रहे हैं सर आपका क्या पता, कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा। राजपाल जी आप प्रॉपर बताइए क्या कहना चाहते हो। सर आपका नाम सुना है, एजी के स्टूडेंट, लेकिन आपका नाम बहुत सुना है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल सुनना भी चाहिए प्यारे दोस्तों, हालांकि इतना कोई विशेष नहीं है। नेक्स्ट चलिए प्यारे दोस्तों, पपीता है, केरिका पपीता है तो केरिका पपाया, तो केरिका से क्या बनेगा? केरी केसी बन जाएगा। आपको पता है फैमिली के बाद में एसी या इस प्रकार के अनुलग्न लगे रहते हैं इसके पीछे, तो ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, नाम से इसका याद हो जाएगा, नाम से ही प्रश्न याद होने वाला है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, मक्का एक पौधा है, मक्का एक पौधा है। दोस्तों एक बात मैं शेयर कर दूं आप लोगों से, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करेंगे तो फल मीठे ही मिलेंगे। और प्यारे दोस्तों आज तक जिस व्यक्ति ने सफलता प्राप्त की है, आज तक जिस व्यक्ति ने सफलता प्राप्त की है तो निश्चित रूप से उसने कठोर मेहनत तो की है, लेकिन एक निरंतरता के साथ उसने मेहनत की है। मैं भी ये सजेशन के रूप में आपको कहना चाहूंगा, कठोर मेहनत बहुत सारे व्यक्ति करते हैं, लेकिन सफलता किन के चरणों में आके गिरती है? जो निरंतरता के साथ और सब्र के साथ, ऑल इज वेल के साथ तैयारी करते हैं। ये आपका जो इस बार 2020 का जो आपका खेल है ना प्यारे दोस्तों, 2020 का जो खेल है वो खेल दो चीजों से होगा, यहां आपको कठोर मेहनत तो है ही, फिर दूसरी बात ये देखनी है कि आपके सब्र कितना है, आपका सब्र कितना है। मेरे को पता है बच्चों का बहुत डिजायर होता है सर पेपर होगा कि नहीं होगा, पेपर कब होगा, क्या एग्जाम की डेट चेंज होगी, ये फालतू की जो चीजें हैं इनको दिमाग से हटा दीजिए, फोकस करना है स्टडी पे, गहन अध्ययन पे, क्योंकि ये जो जेट आईसीआर है इससे क्या होने वाला है, केवल आपका सिलेक्शन होने वाला है, चैंपियनशिप तो उसके बाद में स्टार्ट होगी दोस्तों, सपने उसके बाद में स्टार्ट होंगे, वहां जाके आप सोचोगे कि मेरे को ARS बनना है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बनना है, मेरे को प्रोफेसर बनना है, मेरे को इस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना है, मेरे को रिसर्च में जाना है, मेरे को अदर जो कंट्रीज हैं वहां पे मेरे को जाना है, ARS में मेरे को जाना है, वहां से आपके मेन जो सपने हैं उन सपनों की उड़ान आपकी वहां से स्टार्ट होगी। आपकी उड़ान तो दोस्तों वहां से स्टार्ट होगी, ये तो आपको फर्स्ट CD मिलेगी, ये तो केवल आपको क्या मिलेगी, फर्स्ट CD मिलेगी। तो दोस्तों पढ़ाई तो आपको वहां भी करनी है, आनंद तो वहां भी लेना है, नॉलेज तो वहां भी क्रिएट करना है। आज भी हम यही तो कर रहे हैं, आज भी तो हम वही कर रहे हैं, सिलेक्शन हमारा हो चुका है, नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं, नॉलेज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं दोस्तों। आप इस बात को सब, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सब्र से तैयारी करनी है, निरंतरता के साथ तैयारी करनी है, राहगीरो तब तक चलना है जब तक सफलता हमें नहीं मिल जाए प्यारे दोस्तों। तो तैयारी तो करनी है, इस चिंता में क्यों हम समय व्यतीत करें कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी, एग्जाम कब होगी, ये सारी चीजें आपको हटानी है और तैयारी आपको लगातार जारी रखनी है, विथ नॉलेज और विथ आपको सब्र के साथ में, उत्साह के साथ में तैयारी करते रहना है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, मक्का एक पौधा है, बताइए दोस्तों 28 नंबर का क्वेश्चन उत्तर कैसे नहीं आ रही, इसमें उत्तर तो आ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर कैसे नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, आगे आगे बी बता रहे हो, बी बता रहे हो 28 में बी बता रहे हो, देखते हैं बी ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। एक लिंगा से नहीं, उभयलिंगा से, बिल्कुल सही, उभयलिंगा से बिल्कुल सही।
मोनोसियस इसका इस प्रकार की अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप थोड़ा इंग्लिश जो इंग्लिश पास में इंग्लिश लिखी हुई है इसी प्रश्न में उस पे चले जाना। मोनोसियस डायोसिस आपको बहुत अच्छे प्रकार से मैंने याद कर रखा है। मोनो यानी एक, सियस यानी घर, जिसमें मेल फीमेल एक ही घर में रहते हैं, और डायोसिस बता रखा है डाई यानी दो, सियस यानी घर जो अलग अलग घरों में होते हैं, वहां इंग्लिश फॉर्मेट पे चले जाना, वही मोनोसियस और डायोसिस आपको ऑप्शन मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 29, शैवाल के अध्ययन को क्या कहोगे। बहुत लग्जरी शानदार क्वेश्चन है, मैं सीधा सा बता देता हूं 29 में बेस्ट उत्तर किसका आता है, बस ये देख लेता हूं फिर इसका उत्तर बता देता हूं, बिल्कुल सही है फाइकोलॉजी। और सबसे पहले जो जवाब दिया है रवि प्रकाश ने जवाब दिया है। और नेक्स्ट चलते 30 पे चलते प्यारे दोस्तों, कोशिका के कौन सा भाग कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है, बताइए प्यारे दोस्तों इस प्रकार का है, डीएनए किस में नहीं होगा ये आपको बताना है। केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में, रसदानी में, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, रसदानी में डीएनए खुद का नहीं होता है, रसदानी में खुद का डीएनए नहीं होता है। और रसदानिया प्लांट सेल में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है, रसदानिया प्लांट सेल में पाई जाती है प्यारे दोस्तों, ये भी आपको क्या करना है याद करना है। बहुत सारे बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे प्यारे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इवनिंग सेशन डेली चलता है, नए बच्चे उनको बता दूं इवनिंग सेशन डेली ही चलता है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, केवल 10 क्वेश्चन आज के और बचे हैं, केवल 10 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। येल्लो रिवोल्यूशन पूछा है, शानदार वाला स्टार क्वेश्चन आ चुका है, स्टार क्वेश्चन आ चुका है, येल्लो रिवोल्यूशन किससे संबंधित है बताइए प्यारे दोस्तों। फर्स्ट आंसर किसका रहा, 31C बता रहे हैं, 31C बता रहे हैं, तिलहन से बिल्कुल सही है, और मस्टर्ड भी कह सकते हो दोस्तों, याद रखना मस्टर्ड भी कह सकते हो और तिलहन वाली फसल भी कह सकते हो। नेक्स्ट 32, इफको का क्या नाम है, फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, बिल्कुल फर्स्ट इसका उत्तर सही होगा, फार्म्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव इफको का पूरा नाम है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं 33, बोलवर्म कीट साधारणतः पाया जाता है, यह भी शानदार क्वेश्चन है, बोलवर्म बताइए कौन सी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा या किस फसल में इंसेक्ट अटैक करता है बोलवर्म, गजब का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, गजब वाला क्वेश्चन है। 33 में लोग किया है सी को, बिल्कुल कपास का बहुत मुख्य रोग है बोलवर्म, मुख्य कीट है सॉरी इंसेक्ट है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नाइट्राइड के नाइट्रेट में रूपांतरण करने वाला जीव, नाइट्राइड का नाइट्रेट में, तो इसका तो हो जाएगा नाइट्रोसो बैक्टर, ये दोनों ही उसका उत्तर आ रहा है, इसमें एक आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर होगा नाइट्रोसो बैक्टर होगा, और नाइट्रोजन को नाइट्राइड में चेंज करता है नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइड को नाइट्रेट में चेंज करता है नाइट्रोबैक्टर, याद रखना दोस्तों। भारत में 21% सबको पता है, 21% सबको पता है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, मक्का में गुणसूत्र ये बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट उत्तर कौन देता है इसका सही, 36 प्यारे दोस्तों, 36 जो बच्चे लाइव नहीं हो पा रहे प्रॉपर, एक बार लाइव ऑप्शन को क्लिक कर ले मोबाइल में, लाइव ऑप्शन को क्लिक कर दे अपडेट जुड़ जाओगे, 36 प्यारे दोस्तों, 36 ए का बता रहे हैं, 36 बिल्कुल 20 गुणसूत्र राइट आंसर है। उद्भवन केंद्र की धारणा प्रतिधारणा किसने दी है, उद्भवन को विविलियो ने बताया है, ये भी प्लांट ब्रीडिंग में हमने पढ़ा था इकोनॉमी बोटनी में, विविलियो ने ये कहा कि जिस जाति की सबसे ज्यादा संख्या जहां पाई जाती है, जहां उसकी विभिन्नताएं सबसे अधिक, जहां उसकी संख्या सबसे अधिक होती है, वही उसका ओरिजिन है, ये बात किसने कही है, विविलियो ने कही है, हाँ ये बात किसने कही है, विविलियो ने कही है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, तो एलआई विविलियो कह सकते हैं, ओरिजिन के लिए है, और आज इसको मानते भी हैं, विविलियो के अकॉर्डिंग ओरिजिन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन मानते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। एक बीजपत्री पौधा है, बता दीजिए दोस्तों, एक बीजपत्री 38 एक बीजपत्री बहुत सिंपल और एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये हर बच्चे का सही होना चाहिए, 38 नंबर क्वेश्चन, और उत्तर आप लोग कर रहे हो ए को, और करेक्ट लोग आप कर रहे हो ए, मक्का इसका राइट उत्तर होगा।
अरहर मटर दलहनी ये सारी दाल वाली फसलें होती है, ये आपको पता है द्विबीजपत्री होती है, बीज को दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। आलू के लिए सबसे उपयुक्त मृदा सैंडिलोम क्ले लोम सैंडिया क्ले। आलू 39 है RCM, ये कोई बच्चा है जो भी हो, चलिए फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों। 39 में ए बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है सैंडिलोम, इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। इसके बाद में कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा होता है, तो बताइए प्यारे दोस्तों सबसे बढ़िया कौन सा होगा, सबसे बढ़िया कौन सा होगा, सूरजमुखी का सबसे अच्छा होगा। जिसके तेल में लिनोलिक अम्ल सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसके तेल में लिनोलिक अम्ल सबसे ज्यादा पाया जाता है वो तेल हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज का इवनिंग सेशन यहीं पूरा करते हैं। और तिल में कौन सा परिवार का पौधा है, तो तिल प्यारे दोस्तों पेडालियेसी कुल का पौधा है, तिल है वो पेडालियेसी कुल का पौधा है। प्यारे दोस्तों सभी को शुभकामनाएं, और मेरा बिल्कुल प्यारे प्यारे बच्चों को दोस्तों को आशीर्वाद सभी को। और लास्ट मेरी जो डिजायर है उस बात को जरूर सुनें, उसके बाद में इवनिंग सेशन को एंड करते हैं। प्यारे दोस्तों ये सबर का ये जो आपका समय है, प्रतिकूल जो समय है, ये समय केवल आपके सबर का समय है, आपकी कठिनाई का समय है। ईश्वर आपकी परीक्षा लेना चाहता है विभिन्न प्रकार से। आपको एक विजेता के रूप में आपको आगे बढ़ना है, आपको एक विजेता के रूप में आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों की 16 से 18 घंटे पर डे पढ़े, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि पर डे 4 से 5 घंटे किताबों को दे, एक्सपेक्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप चले। और इस बार का जो रिजल्ट है वो एक कीर्तिमान वाला रिजल्ट होगा, इसमें इंटेलिजेंसी की आवश्यकता नहीं है, इसमें इंटेलिजेंसी की आवश्यकता कहीं नहीं है, इसमें निरंतरता की आवश्यकता है, मेहनत प्लस निरंतरता की आवश्यकता है। जो बच्चा 4 से 5 घंटे पढ़ रहा है उस बच्चे का सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। और प्यारे दोस्तों जिन बच्चों को नहीं पता है, अपने निशा फाउंडेशन का मोबाइल ऐप बना रखा है, पूरा स्टडी मटेरियल वहां अपलोड कर रहे हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत ज्यादा क्लासेस वहां डाल रहे हैं, इनके अलावा पूरे नोट्स वहां उपलब्ध हैं और टेस्ट वहां पे समय समय लगातार करवाए जा रहे हैं। इससे बढ़िया तकनीक टेस्ट की नहीं हो सकती। जैसे आप पेपर सबमिट करते हो तुरंत आपका रिजल्ट मिल जाता है, विद सॉल्यूशन आपने कितने नंबर प्राप्त किए, कितने आपका स्कोर रहा, तो इससे बढ़िया तकनीक नहीं हो सकती। आप जुड़े रहिए और लगातार जो अपनी नवीनतम तकनीक है उसके साथ शानदार स्टडी करते रहिए। और आज का इवनिंग सेशन में यही विराम करना चाहूंगा इस विश्व के साथ में, ये 2020 है। और प्यारे दोस्तों हमें ये अवसर ईश्वर ने प्रदान किया है, आपको ये ईश्वर ने ये अवसर प्रदान किया है कि इस बार आप इस दुनिया में हो, इस चीज को आपको सिद्ध करना है, इस चीज को आपको प्रूव करना है। आपके इंटेलिजेंसी की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, बस साथ जुड़े रहिए और लगातार स्टडी करते रहिए। ऑल स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक और ऑल इज वेल। धन्यवाद दोस्तों।